Hello everyone, Assalamu Alaikum. This is me, Dr. Aisha Malik. Welcome back to my YouTube channel. Now, I discuss the topic of the computer, and the topic name is Data Transmission Mode. तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि डेटा ट्रांसमिट कैसे होता है और वो किन उनकी टाइप्स क्या हैं उनको हम डिटेल से देखेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ वॉट इज डाटा ट्रांसमिशन द वे इन विच द डाटा इज़ ट्रांसमिटेड From वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज़ कार्ड डाटा ट्रांसमिशन मोड डाटा ट्रांसमिशन के नाम से इंडिकेट हो रहा है कि वो डाटा जो ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह ठीक है उसको हम डाटा ट्रांसमिशन बोर्ड मोड बोलते हैं और बेसिकली अब उन्होंने इसकी टाइप्स को आगे डिस्कस किया हुआ है ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको ध्यान से आपने देखने तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन बोर्ड इसके बेसिकली उन्होंने थ्री टाइप्स बताए हुए हैं ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले सिंपल मॉड सेकेंड हाफ डुप्लेक्स एंड थर्ड एंड द लास्ट वन इज फुल डुप्लेक्स मॉड वट इज सिंप्लेस सिंप्लेक्स मॉड इन सिंप्लेक्स मॉड डेटा कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन सिंप्लेक्स से हमें सिंपल पता चल रहा है नाम से इंडिकेट हो रहा है कि वो डाटा जो एक तरफ़ फ्लो करेगा या सिंपल होगा उसको हम सिम्प्लेक्स डाटा बोलेंगे इट कैन नॉट बी मूव्ड इन बोथ डायरेक्शन ये दो डायरेक्शन में मूव आउट नहीं करता अब वो डायरेक्शन बहुत डायरेक्शन क्या है कि मतलब हम डाटा कैसे मूव करवाते हैं या तो कोई रिसीव कर रहा होता है ठीक है या कोई सेंड कर रहा होता है अब ये दोनों तरफ मूवआउट नहीं करता था सॉरी इट ऑपरेट्स इन अ मैनर सिमिलर टू वन वे स्ट्रीट ये जो है उन्होंने कहा कि इट ऑपरेट्स इन अ मैनर सिमिलर टू वन वे स्ट्रीट ये ऐसे ऑपरेट होता है जैसे कि एक गली कह लें आप और आगे से बंद हो ठीक है वन वे स्ट्रीट आगे द डायरेक्शन ऑफ लॉ नेवर चेंज अब डायरेक्शन जो होती है फ्लो की वो चेंज नहीं होती अ डिवाइस विद अ सिम्प्लेक्स मोड कैन इधर सेंड और रिसीव डाटा अब इसके साथ जो डिवाइस है या तो वो सेंड कर सकती है या वो रिसीव कर सकती है डाटा को एट अ टाइम दोनों चीज़ें वो नहीं कर सकती इट कैन नॉट परफॉर्म बोथ एक्शन वही बात जो मैंने पहले बता दी कि ये जो है ये दोनों एक्शन परफॉर्म नहीं करती एन एग्ज़ाम्पल इज़ इस इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास टेलीविजन है ठीक है द सिग्नल इज़ सेंड फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू टी वी इंटीना देर इज़ नो रिटर्न सिग्नल हमारे पास उन्होंने कहा कि uh, जब uh, आप सिग्नल सेंड करते हैं uh, ट्रांसमिट करते हैं टी वी के एंटीना में तो वहाँ पर सिग्नल रिटर्न का कोई सीन नहीं होता ये देखिए उन्होंने सिंपल एक ए और बी से उन्होंने uh, बनाया हुआ है ए हमारे पास लगाने के डाटा है जो कि सेंड किया जा रहा है ठीक है वो एट अ टाइम ना तो वो रिसीव हो रहा है ठीक है ए के बाद वो जस्ट सेंड किया जा रहा है एंड द नेक्स्ट इज हाफ डुप्लेक्स ट्रैफिक व्हाट इज़ हाफ डुप्लेक्स ट्रैफिक इन हाफ डुप्लेक्स मोड डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन ये दो डायरेक्शन में मूव आउट करता है बट नॉट एट द सेम टाइम लेकिन ये भी डाटा कर जाता है लेकिन एट अ टाइम दोनों एक्शंस को परफॉर्म नहीं करता इट इज़ transmitted one way at one time the वक्त में एक तरफ ट्रांसफर होता है आर डिवाइस विद द हाफ डुप्लेक्स मोड कैन सेंड और रिसीव डाटा बट नॉट एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि डिवाइस जो होती है हाफ डुप्लेक्स मोड की वो यहाँ तो सेंड कर सकती है या रिसीव कर सकती है मतलब दोनों काम कर सकती है लेकिन एट अ टाइम सेम टाइम पे ये दोनों काम नहीं हो सकते डेट इज़ वाई द स्पीड ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड इज़ स्लो जहर सी बात है जब हमारे पास काम नहीं हो रहा तो उसकी स्पीड जो है वो स्लो होगी जब एक चीज जाएगी देन जो है वो दूसरी चीज आएगी तो टाइम तो लगेगा एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स हार्ट डिप्लिक्स नैरो सिग्नल सिंगल व्हीकल्स एट अ टाइम इन्होंने एक सिंपल एग्जांपल दिया जैसे हमारे पास कोई भी एक नैरो ब्रिज होगा वो uh, और वो कैरी करता है सिंगल व्हीकल मतलब या तो वो यहाँ से सारे लोग जो वो जा सकते हैं यहाँ से सारे लोग आ सकते हैं तो हमें इस तरह टाइम लगेगा द ट्रैफिक फ्रॉम ए साइड स्टॉप्स ए साइड से ट्रैफिक स्टॉप होगी वाल द व्हीकल फ्राम साइड बी क्रॉस द ब्रिज फिर जो बी साइड की जो है ट्रैफिक वो क्रॉस करेगी रोड को फिर उन्होंने उसकी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए इसको आ, आ, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इसकी देने के लिए उन्होंने जिसकी एग्जांपल को डिस्कस किया सिमिलरली ट्रैफिक फ्रॉम साइड बी हैज़ अ स्टॉप सो दैट द व्हीकल फ्रॉम द साइड ए मे क्रॉस अब उन्होंने कहा कि बी साइड वाली जो है ट्रैफिक वो स्टॉप होगी देन ए साइड वाली जो है वो ट्रैफिक आगे जो है वो अपना क्रॉस करेगी ब्रिज एंड द लास्ट वन इज फुल डुप्लेक्स मोड इन फुल डुप्लेक्स द डाटा कैन ट्रेवल इन बहुत डायरेक्शन साइंटेनियसली मतलब एट अ टाइम दो चीजें हो रही हैं फुल डुप्लेक्स मोड जो फास्टर वे ज़हर सी बात है जहाँ पे अब ये एक ब्रिज है ठीक है यहाँ से ए यहाँ से बी अब ए वाली ट्रैफिक पहले जाएगी ठीक है बी वाली स्टॉप हुई, हुई है अब ये वाली चलेगी अब ए वाली स्टॉप होगी और बी वाली वापस आएगी ठीक है तो टाइम लगेगा लेकिन इसके बरक्स अगर इस तरह बने हो यहाँ ए हो यहाँ बी हो ठीक है ये अपनी ट्रैफिक जाई जा रही ये अपनी जाई जा रही तो एट अ टाइम काम हो रहा है तो हमारे पास टाइम जो है वो शॉर्ट कह रहे कंज्यूम हो जाता है देयर इज़ टाइम इज़ नॉट वेस्टेड इन अ चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो टाइम जो है वो बेसिकली वेस्ट नहीं होता इसके अंदर टेलीफोन इज़ अ फुल डुप्लेक्स डिवाइस हमारे पास टेलीफोन फुल डुप्लेक्स डिवाइस है जैसे हम बात कर रहे होते हैं तो हमें इन रिस्पॉन्स आगे से बात मिल रही होती है बट पर्सनस कैन टॉक एट द सेम टाइम क्योंकि दोनों पर्सन जो हैं वो एट अ टाइम जो है वो, वो टॉक कर सकते हैं एट दर एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज़ ऑटोमोबाइल ट्रैफिक ऑन ऑन आर ट्रू लैंड रोड जैसे कि ये मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल बता दी कि हमने एक ये ए वाला बना दिया ठीक है, है और एक ही हमने बी वाला बना दिया तो ये बी वाली भी आ रही है और ए वाली भी जा रही है द ट्रैफिक कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम ए सेम टाइम में जो ट्रैफिक है वो मूव आउट करती रहती है ये उन्होंने इसका एक कह लें कि छोटा सा डायग्राम के तौर पर उन्होंने आपको बता दिया तो यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अला हाफिज़ बाय बाय